हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेस्ट डायरेक्शन फॉर बाथरूम एसेसरीज के बारे में। एसेसरीज वास्तु के हिसाब से किस डायरेक्शन में होना चाहिए और बाथरूम हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सीट आपकी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को प्रेस करें, इससे क्या होगा नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी हम वीडियो डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये डायरेक्शन होती है हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें आप चार डायरेक्शन और ऐड कर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब बेस्ट डायरेक्शन फॉर वेरियस बाथरूम एसेसरीज सब्सक्राइब आपने कर लिया है। मिरर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, टैप एंड शावर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सिंक किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाथ टब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वॉशिंग मशीन्स, बहुत सारी चीजें हैं किस डायरेक्शन में होना चाहिए बाथरूम के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम मिरर की। कांच हमेशा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं टैप एंड शावर। शावर आपका ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों। हम बात करें अब सिंक की, तो ये आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन। बाथ टब किस डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों, ये आपका बेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। वॉशिंग मशीन आप साउथ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम गीजर की। गीजर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, गीजर हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपके जितने भी स्विच बोर्ड हैं बाथरूम में, वो आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। इसके बाद आता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम आप नॉर्थ ईस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। विंडो एंड वेंटिलेशन आपके ईस्ट और नॉर्थ में होना चाहिए दोस्तों। चेंजिंग रूम आपका साउथ और वेस्ट में होना चाहिए। डोर आप ईस्ट में ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। और आपका टॉयलेट जो है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए दोस्तों, आ कपल ऑफ फीट अबव द ग्राउंड लेवल। उसका कहने का मतलब है ग्राउंड लेवल से आप एक या दो फीट उसे ऊपर ही रखें, इससे बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों। एक तो ड्रेनेज सिस्टम में, देखिए दोस्तों कुछ ड्राइंग्स हैं आपके लिए। ये आपका जो अभी मैंने बताया है उसके हिसाब से बाथरूम को डिजाइन किया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये आपका बाथरूम है, इधर आपका डोर है, इधर आपका गीजर है ईस्ट में, ये साउथ में है। साउथ वेस्ट में आपका वाट टब है, ये वॉशिंग एरिया है आपका, ये आपका वॉशिंग मशीन है, ये शावर है, ये टैप है आपका, ये मिरर है, और ये स्लोप। स्लोप हम किस डायरेक्शन में देते हैं दोस्तों, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे हम स्लोप देते हैं। कोशिश करता हूँ आपको पूरा समझ में आया हो। अगर बाथरूम से रिलेटेड वास्तु में कोई भी दिक्कत है आपको तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें फील्ड वर्क एक्सपर्ट, इसी के साथ बेल आइकन प्रेस करें। देखने के लिए धन्यवाद।